ये जो बजट था, इस बजट में हमने अगर आईएमएफ के पास हाथ पांव बांध के फेंका गया तो जनाब स्पीकर इनकी वजह से ये जो चार साल झूठ बोलते रहे, जो 11 साल केपी में पाकिस्तान के साथ ज्यादती करते रहे, इनकी वजह से हम आईएमएफ के पास हाथ पांव बंधे हुए गए थे। लेकिन फिर भी हम उस बजट में हमने गरीब की बात की, हमने बेरोजगार की बात की, हमने पावर्टी बिलो द पावर्टी लाइन जो लोग हैं उनकी बात की, हमने सैलरी वाले तबके की बात की और हमने कोशिश की कि हम उनको रिलीफ दे सके। जनाब स्पीकर, वो रिलीफ जो ये ना दे सके और ना ये देना चाहते थे। हमने पाकिस्तान में उन लोगों को रिलीफ दिया जो 50,000 रुपए से महाना कम तनख्वाह लेते हैं, उन लोगों को रिलीफ दिया जो 1 लाख के बजट के अंदर अपने महीने का गुजारा करते हैं। इनकी तमाम कॉन्ट्रोवर्सीज के बावजूद हमने जो नए टैक्सेस थे जो हमें आईएमएफ फोर्स करती रही, हमने नहीं लगाए और हमने निगोशिएट किया उनके साथ और वो निगोशिएशन करके कामयाब हुए और गरीब के ऊपर बोझ नहीं डाला। पाकिस्तान आज ब्रेन ड्रेन की कैफियत में है। यहां जो पढ़ा लिखा डॉक्टर इंजीनियर वो मुल्क छोड़ के जा रहा है, वो इनकी वजह से जा रहा है। ये झूठे वादे जो आईएमएफ से करते रहे और पूरे नहीं करते रहे, पाकिस्तान को आइसोलेशन में लेकर चले गए। चाइना ने आपसे बात करना छोड़ दी।